अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। CSS 3 के ट्यूटोरियल्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज उसका लेक्चर हम 3 कवर करेंगे। तो लेक्चर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, कलर एंड बैकग्राउंड कलर। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनलाइन स्टाइल टैग यूज़ करते हैं, उसके बाद इन पेज हम कैसे CSS 3 अप्लाई करते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल, इस तरह ये हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 में हमने सिंपली इंट्रोडक्शन देखा था। ओके, तो आज जो लेक्चर नंबर 3 है हमारा, उसमें हम कलर देखेंगे कि कलर कैसे अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पर, हेडिंग पर, किसी भी जगह पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर का देखेंगे कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी एक टेक्स्ट के पीछे, किसी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट के पीछे, तो या फिर एक पूरे पैराग्राफ के पीछे कैसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम वो भी देखेंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमने एक एस्टिमेट की फाइल बनाई हुई है कलर के नाम से, और इसके अंदर हमने एक हेडर लिया हुआ, उसके अंदर एक टाइटल है, तो उसका नाम हमने अपना टॉपिक रख दिया, जो हमारा आज टॉपिक है उसका नाम रख दिया हुआ है, और हमने एक बॉडी टैग लिया हुआ है। ओके, तो इस बॉडी टैग के अंदर अभी मैं एक H1 ले लेता हूँ, हेडिंग H1 ले लिया। ओके, तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, अपने चैनल का नाम दे देता हूँ ज्यूस। ओके, तो ये नाम लिख दिया। चले अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव की हुई ये फाइल, ये मैंने कर लिया रिफ्रेश। ओके, तो ये सिंपल आ गया, सिंपल ब्लैक कलर में आ गया, जो एज डिफ़ॉल्ट कलर अब वेब शो करा था उसमें आ गया। तो चले अभी हमने CSS के थ्रू इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली इस H1 के अंदर आपने एक ले लेना है स्टाइल, ये हम करने लगे इनलाइन CSS अप्लाई करने लगे हैं। इनलाइन CSS की भी अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी इनलाइन क्या होती है। इनलाइन ये होती है कि इस एक लाइन के अंदर ही CSS अप्लाई करना है। जैसे मैं इस लाइन के अंदर स्टाइल टैग ले लिया, तो अब इसके अंदर मैं दूंगा कि मैंने इसको क्या कैसे डिज़ाइन करना है। अब मैंने इसको कलर बताना, तो यहाँ पर मैं इसका कलर ले लूँगा। ओके, तो कलर मैं किस कलर का लेना चाहता हूँ, कलर मैं लेना चाहता हूँ पर इसका नाम ये चॉकलेट कलर लेना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए अब इसको रिफ्रेश करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये चॉकलेट कलर आ गया। ओके, तो अभी इतना शो नहीं हो रहा, ये कैसे इसको मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो इसका बॉडी का कलर है वो चेंज कर देता हूँ। अब फर्ज करें ये बॉडी है, यहाँ पर भी आपने अगर CSS में इसके पूरी जो बैकग्राउंड है इसका, ये सारे का बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप पूरे पेज का, अब यहाँ पर स्टाइल टैग ले लें। ओके, तो स्टाइल प्रॉपर्टी वो ले ली, उसके बाद आप ले लें बैकग्राउंड कलर। ओके, तो यहाँ मैं ब्लैक ले लिया, तो हम इसको सेव करके चेक कर लेता हूँ, चेक करें ठीक हो गया। इस तरह आप इस पूरी का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कलर ले लें इसमें, बै ब्लू ले लें, ब्लैक ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो अभी हमने ये इस कलर में लिया, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ओके, तो मैं पैराग्राफ के लिए कोई पैराग्राफ निकाल लेता हूँ नेट से, पैराग्राफ। ओके, यहाँ से कोई पैराग्राफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक सिंपल एक पैराग्राफ ले लेता हूँ कोई सा भी, जैसे कि मैंने इतना एक पैराग्राफ ले लिया, कंट्रोल कॉपी, और इसमें आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इसको मैं ज़रा डिवाइड कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में भी आ जाए। हाँ ठीक है, चलिए अब इसको सेव करके आपको चेक करवा देता हूँ पहले पैराग्राफ शो कर रहा है कि नहीं। ओके, अभी पता क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि उसका जो पैराग्राफ कलर है ना, ये देखें ये ब्लैक है, एज डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है ब्लैक होता है, इस वजह से हमारी बैकग्राउंड भी ब्लैक है, इस वजह से शो नहीं कर रहा। अब इसका कलर फर्ज करें, मैं यहाँ से जाकर चेंज करना पड़ेगा मुझे। उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो टैग होता है उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी लेनी है, स्टाइल प्रॉपर्टी लेनी है, स्टाइल, ये स्टाइल प्रॉपर्टी ले ली, और इसके अंदर आपने कलर ले लेना है कलर। अब मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ, ये ब्रॉलीवुड दे देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। चले मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अब आपको शो हो रहा है ना, तो ये हो गया इसका कलर चेंज टेस्ट का भी। ठीक है,
उसके अलावा अभी मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। अब देखें कि ये मैंने ऊपर लिखा ना, ये हेडिंग दी है ज्यूस कोडर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो कोडर है उसका कलर लैदा हो और ज्यूस का कलर जो है लैदा हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके मैं यहाँ पर ले लूँगा स्पैम स्पैम, ओके। और जो इसका क्लोजिंग टैग है वो कोडर को उस साइड पर लिख देंगे यहाँ पर। ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया। और इस स्पैन के अंदर आपने लेना है स्टाइल टैग, ठीक है, स्टाइल प्रॉपर्टी लेनी है सॉरी इसके अंदर। अब आपने इसको कलर देना। मैं इसको कलर दे देता हूँ, फर्ज करें ये बॉलीवुड दे देता हूँ जो हमने पैराग्राफ का लिया, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं, ये देखें जी उसका कलर लेता है, कोडर का कलर लेता है, ठीक है। इस तरह आप किसी एक टेक्स्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका अलहदा और इसका अलहदा, ठीक है, सेपरेट सेपरेट कलर है इनके। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये हमारे कलर थे। तो आप कलर का एक और मैं चीज़ बता दूँ, आप यहाँ से भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं ना। तो इस पे ऊपर वी एस कोड की बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसके ऊपर जब कर्सर लाते हैं माउस का, तो आगे से आप इसको मूव करके जो मर्जी कलर रखना चाहें, जैसा मर्जी रखना चाहें, तो उस तरह कलर रख सकते हैं। मैंने ये रख दिया ना कलर, तो अब देखें मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और जब ये RGB में आ जाता फिर कलर, ओके। ये देखें ये थोड़ा सा वो जामुन कलर नहीं होता जैसे, उस तरह का हो गया। तो उसके बाद इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका मैं रख देता हूँ इसी तरह का सिमिलर थोड़ा सा हो ना, ज़्यादा लाइट कर देता हूँ। इस तरह भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एक तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है, वो ये होता है कि आपको कोई हेक्साडेसिमल या RGB जो भी फॉर्मेट में लेना हो, जैसे ये 600 का होता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। आप यहाँ से भी कलर उठा सकते हैं। अब जैसे ये साइकन एक कलर है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं यहाँ से। तो अपने इंटरनेट से भी ले सकते हैं, इसके कोड होते हैं पड़े हुए, तो वहाँ से ले कर कॉपी करें। और सिंपली जैसे ये मैंने यहाँ पर बॉलीवुड लिया हुआ ना, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ये कर दिया रेज, ओके। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब मैं इसको जाकर रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ जी कलर अप्लाई हुआ कि नहीं। जी देखिए इस तरह आप यहाँ इस तरह भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि देखेंगे ज्यूस में ज्यूस का और कलर कोडर का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, ज्यूस कोडर का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसी स्टाइल के अंदर आप ले लें बैकग्राउंड कलर ले लें इसी स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ले लें बैकग्राउंड कलर की। अब इसकी मैं बैकग्राउंड क्या देना चाहता हूँ, फर्ज करने मैं वाइट दे देता हूँ ना, क्योंकि हमारा जो फुल है वो ब्लैक है, ये फुल पेज का बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर मैं वाइट दे देता हूँ। तो ये देखिए ये इस पूरी लाइन के इसने कलर जो है ना वाइट कर दिया, मतलब जो इसके सेम है। अब यहाँ पर कलर मैंने ज़्यादा दिए हैं, इस वजह से सही तरह शो नहीं कर रहा है। मैं अब यहाँ पर कोई और कलर ले लेता हूँ बैकग्राउंड में, जो ज़रा सूट भी करे, इसी टाइम में से कोई उठा लेता हूँ। तो अच्छा कर लेते हैं, अभी फिर कोडर के साथ मैच हो जाएगा इसका ज़रा बैकग्राउंड। हाँ वो देखा कोडर चले गया, तो कोडर का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ जी। इसका कलर मैं ले लेता हूँ ब्लैक ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब आपको दोनों नज़र आएंगे और साथ में बैकग्राउंड कलर पता चल जाएगा। ये ज्यूस ये कोडर, ठीक है। अब मतलब बताने का यही सिंपल कि आप यहाँ से इस टेस्ट का बैकग्राउंड एक अलहदा से एक सेपरेटली आप इस एक किसी भी टेस्ट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ओके। बताने का मकसद ये, हेडिंग का अलहदा कर सकते हैं, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर अलहदा चेंज कर सकते हैं, और इस पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर सेपरेटली चेंज कर सकते हैं, अलहदा से चेंज कर सकते हैं, ओके। अब जैसे मैं इस पैराग्राफ के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं इसके अंदर सिंपली आके बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ बैकग्राउंड, ओके। मुझे यहाँ पर समीकरण डालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपने ऐसा कलर लेना जो मैंने ये एक्वा टाइप का कलर है, साइकन कलर लिया हुआ है, तो वो ये ताकि ऊपर नज़र आए ना, तो मैं ये वाला कलर चेक ट्राई कर लेता हूँ, शायद इस पर ऊपर नज़र आए। नहीं इस पर नहीं आ रहा, तो मैं इसका कलर कोई और कर लेता हूँ, ज़रा डार्क सा कलर कोई काट लेता हूँ। तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
तो अब आपकी अपनी मर्जी है आप किस तरह का कलर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था कि कलर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, पूरे पेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमने इनलाइन के थ्रू किया है। ओके, आप इसको इन पेज के भी थ्रू कर सकते हैं और एक्सटर्नल के भी थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो सेकंड लेक्चर देख लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इनलाइन में और इन पेज में। ओके, तो आप देख सकते हैं वो बोला, तो अभी हमने ये इनलाइन में किया है, आप एक्सटर्नल भी कर सकते हैं सेम एज इट इज़, बिल्कुल इसी तरह ही है, और आप इन पेज भी कर सकते हैं। इन पेज में ये होता है कि आप हेडर के अंदर एक स्टाइल टैग बना लेते हैं, ये इसके अंदर बना रहे हैं ना, तो इसके सेपरेटली बना लेते हैं और साथ में कॉल करके तो करते जाएं। तो आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच।